मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आए हुए पंडित को और देश के अलग अलग कोने से आए हुए साथियों को कि इतने विकट परिस्थिति में जहाँ सिस्टम हर तरफ आपको टारगेट किया हुआ है, एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा हुए हैं। साथियों, जिस तरह से दलितों पे, मुसलमानों पे, छात्रों पे, युवाओं पे हमला हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है। आप ये अंदाज लगाए इस देश पे, इस देश की जो बड़ी आबादी है 35 करोड़ से भी ज्यादा आबादी युवाओं की, लेकिन युवाओं के रोजगार का सवाल कभी चुनाव मुद्दा नहीं बनता, सरकार के लिए मुद्दा नहीं बनता, उनके शिक्षा का सवाल कभी सरकार के लिए मुद्दा नहीं बनता, कभी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। इस 3 साल में शिक्षा का बजट कट किया गया, 3 साल में रोजगार के नाम पे कुछ भी जो है वो नहीं दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक जो है साथियों, यहाँ का जो बहुत ही प्रमुख मुद्दा है उन मुद्दों से भटका कर और असंवेदनशील मुद्दों पे लगाकर और राजनीति की जा रही है। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में 2016 में केवल इस देश के लगभग 9,000 से ज़्यादा छात्र आत्महत्या किए। साथियों, क्यों हुआ इस तरह का? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है शिक्षा के लिए वो शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस देश में 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या किए। क्यों? क्योंकि लोन के नाम पे सरकार किस तरह से पॉलिसी बनाई है उस पर किसान भी मर रहा है और नौजवान भी मर रहा है, छात्र भी मर रहे हैं और मजदूर भी मर रहे हैं। ये यहाँ की रियलिटी है साथियों। इस दौरान में देखते हैं देश में वॉक इनकी एक पूरी घटनाएं होती है, मुसलमानों को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। नजीब का केस केवल एक केस नहीं है साथियों, इसके वजह से एक मैसेज दिया जाता है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप किसी कैंपस में रह नहीं सकते हैं। कल हमारे एक मित्र अपने बात के सेफ्टी के ऊपर चाहते कि मैं कहाँ पे अब डर लगता है। ये यहाँ की रैली है दोस्तों, तो हमें इस उपकार रैली में जिस तरह से युवा डर हुए, जिस तरह से युवा आए हैं, जिस तरह से देश भर में युवा आए हैं, ये गलगार है, ये राष्ट्रीय स्तर पर गलगार है। इस गलगार को हमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, पूरे युवाओं को एकजुट करना है और जिस तरह से यहाँ पे हम अलग अलग मंच के लोग, अलग अलग छात्र और युवाओं का अलग अलग जो ग्रुप है वो सब एकजुट हुआ है, हम राज्यों में भी जाएंगे, राज्यों में इसके लिए करेंगे और इसको इस लड़ाई को एक बड़ी बड़ी लड़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।